हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1993 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1959 में हुई थी। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे लॉर्ड रिपन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीवी नरसिम्हम राव। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में 92 में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन दोबारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? तो 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो 9 भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी? 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 11वीं है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो पंचायती राज से संबंधित थी। एक विकास खंड पर पंचायती समिति कैसे होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण। किस अनुसूची में दर्ज विषय के लिए पंचायतों को शक्ति हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया? 11वीं अनुसूची। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति के। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत। गांव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो कम से कम 1/3। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर। अगला है अपना ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षक कौन करता है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा मिली? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो 1 वर्ष की अवधि तक। अगला हमारा छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 25 जनवरी 1994 में। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक स्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग।